दोस्तों स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही एक बार फिर से उमर रियाज की एंट्री होने जा रही है बिग बॉस 15 के घर में। अक्सर देखा गया है कि उमर रियाज काफ़ी अच्छा गेम खेलते नजर आते हैं और लोगों की निगाहें भी वाकई में उमर रियाज पर टिकी हुई होती हैं। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही चल गया होगा कि उमर रियाज एक ऐसे सदस्य रहे हैं घर के अंदर की जो कि अपनी छवि को लेकर भी काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि उमर रियाज एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि ज़्यादातर अपने हर एक प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और बिग बॉस में जिस तरीका से उनका निशांत और प्रतीक के साथ में अलग ही देखने को मिलता है झगड़ा, क्योंकि सलमान खान ने वीकेंड के बार पर उमर रियाज को इसलिए बाहर किया था क्योंकि उनका प्रतीक सेजवाल के साथ में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था, जिस झगड़े के बाद में उमर रियाज उस घर से बाहर हो चुके थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मेकर्स पर जो कि बायस होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि खुद सलमान खान ही उमर रियाज की वापसी कराने जा रहे हैं। उमर रियाज एक ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ही अच्छी तरीका से गेम खेलते नजर आते हैं और प्रतीक सेजवाल की फ़ाइट के ऊपर तो उनका काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसमें अब देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि और डेवोलिना भट्टाचार्य के टास्क के दौरान ये झगड़ा सबसे अधिक बड़ा था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उमर रियाज ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि डेवोलिना भट्टाचार्य के लिए प्रतीक सेजवाल खेलते नजर आ रहे थे, तभी उनको ऐसा गुस्सा आया क्योंकि लगातार उनको अग्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, जिसकी वजह से थोड़ी प्रतीक और उमर रियाज के बीच में हाथापाई हो गई थी और फाइनली उमर रियाज इस घर से हमेशा के लिए बाहर नहीं हुए हैं बल्कि इस शो से कुछ समय के लिए बाहर हुए हैं। हालांकि कुछ समय के बाद में उमर रियाज दोबारा प्रतीक सेजवाल के साथ खेलते हुए ही नजर आने वाले हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उमर रियाज अपनी पर्सनल बॉन्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ अन्य अपडेट भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय रश्मि देसाई सबसे अधिक मिस कर रही हैं उमर रियाज को और उनका मानना यह है कि उमर रियाज फिर से अपनी ज़ोरदार वापसी के साथ ही इस शो में फिर से वापसी करेंगे। साथ ही दोस्तों क्योंकि उमर रियाज ने खुद ही एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि रश्मि देसाई के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइज़।